हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट जोन। चलिए आ जाइए आप लोग। आ जाइए। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच थम्स अप के लिए। आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सो मच इतने सारे थम्स अप के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो कनक जी, गौरी जी, लीला जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी हूँ मैं, आप लोग कैसे हो? ठंडी कैसी है? अब थोड़ी कम हो गई है ना? आज आज थोड़ी सी ठंडी कम लग रही है, इतना ठंडा नहीं लग रहा है ना? अभी थोड़ा सा बारिश बारिश सा लग रहा है, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज हो गया है ना? आज धूप भी थोड़ी सी तेज है। और बादल होने के कारण थोड़ी सी ठंडी कम हो गई है अब, है ना? इसलिए आज हम भी स्वेटर पहन के नहीं बैठे हैं, तो हमें बहुत ठंड लगती है। और भी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और काम को देख सकें, है ना? थोड़ा सा वेदर चेंज होगा, है ना? क्योंकि जनवरी 15 जनवरी के बाद में संक्रांत और ये सब चीज़ें आने वाली है अब, है ना? तो थोड़ा सा चेंज होगा। हम बस अभी ठंड तो थोड़ी सी रहेगी, और थोड़ी सी ठंड होना ही चाहिए, नहीं तो जो गेहूं की फसल है वो इफेक्ट होती है इससे, अगर ठंड नहीं रहेगी तो, है ना? ठंड तो थोड़ी सी और अभी होनी ही चाहिए, कि गर्मी तो वैसे भी 3 महीने के बजाय बहुत ज़्यादा ही रहती है। क्यों? गर्मी तो ज़्यादा ही लगती है, थोड़ी सी ठंडी अभी तो रहनी चाहिए, इतनी जल्दी ठंड नहीं जाएगी अभी। देखो प्लीज़, आप लोगों को मैं कितनी बार बोलूँ, मैं ना अभी पता है मेरे पास कम से कम 10 से 15 लोगों के केवल हाय और हेलो के मैसेज हैं, केवल हाय और हेलो लोग के, है ना? वो लोग बिल्कुल नहीं लिखते हैं कि उन लोगों को किस क्लास की डिटेल चाहिए, तो बताइए मैं कैसे दूँ डिटेल, है ना? मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डेड और अभी चल भी रही है क्लासेस,
है ना, बहुत सी। तो आप लोग प्लीज मुझे ना एक बार जरूर लिख के दीजिए कि मैम तंजोर गिटार की क्लास की डिटेल चाहिए, है ना, लक्ष्मी जी की क्लास की डिटेल चाहिए रिलीफ में, ओके। फिर थंगा की, मेरी थंगा की क्लासेस भी चल रही है रिलीफ में, ओके। और राधा राधा कृष्ण रिलीफ में भी रिकॉर्डेड हैं वीडियोस। तो बहुत सारी क्लासेस मेरी हो भी चुकी है और रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं और चल भी रही है मेरी क्लासेस। राजस्थानी 3D क्ले मेमोरियल की क्लास भी है ना। तो कोई कहीं का वीडियो देखते हैं और फिर केवल हाय करके छोड़ देते हैं, है ना। तो मुझे समझ नहीं आता है कि आपको किस क्लास की डिटेल चाहिए होती है ना। कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना, जो आप लोग एक बार जुड़ जाओगे तो आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बताना होगा, है ना, अगर डिटेल्स चाहिए तो आप लोगों को बताना होगा। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सो मच। पकवान जी तो हम जनरली बनाते ही हैं तंजोर में, इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया है ना। कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। ये गिटार है, तंजोर में बना रही हूँ इसको मैं, है ना। तो गिटार है ये, जो कोई भी बना सकता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि केवल कोई भी हो फिर, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई क्यों, कोई भी बना सकता है ना। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, इस पर कोई किसी का राइट तो नहीं है, ये तो कोई भी बनाकर लगा सकता है। जो तंजोर के शौकीन हैं, लगाना चाहते हैं अपने घरों में पेंटिंग सुंदर सुंदर सी, वो इसको बनाकर लगा सकते हैं, है ना। और पेंटिंग की डिटेल आप लोगों को चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप लिंक शेयर कर ही दी है ना, उस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और विद नाम, है ना, आपका भी और पेंटिंग का भी, ठीक है, कि आपको कौन सी पेंटिंग की डिटेल चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, है ना। भोपाल वाले स्टूडेंट्स मुझसे आकर मटेरियल खरीद सकते हैं, है ना। जो भोपाल के हैं वो मुझसे आकर स्टूडेंट खरीद सकते हैं मटेरियल, मेरे पास आकर भी ले सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट का मटेरियल जाना है, वो भोपाल के ही हैं, उनका मटेरियल जाना है, उनके लिए ड्रेसिंग भी तैयार होगी और वो मटेरियल लेके जाएंगे, है ना। और देखिए मैं दिखाती हूँ, गिटार के शेप में हमें तैयार करना होता है कटआउट, तो वो कटआउट भी रेडी है। और क्लासेस मेरी ये देखो, ये देखो, ये कटआउट तैयार है ना, ये गिटार के शेप में है। क्लासेस 18 से स्टार्ट है, बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, और फीस भी बहुत रिजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी तंजोर की होनी चाहिए उससे तो कम ही है, ओके। तो इस शेप में ये कटेगा, और ये नहीं भी अगर कट पाया आप लोगों से तो भी उसको कैसे बनाना है ये चीज़ भी बताऊंगी क्लास में, है ना। अभी तो ये हमारा जो स्टूडेंट है जिनको सीखना है भोपाल के, उनके लिए तैयार हो चुका है ये, क्लास के लिए भी जो क्लास में हम लगाएंगे वो भी हमारा रेडी हो चुका है ना। क्लास की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो 18 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए ज्वाइन, बहुत सुंदर काम है। मगिंग कैसे तैयार करनी है, बोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है,
है ना, कोनिंग का काम कैसे करना है, टोटल बहुत अच्छे से और टोटल तरीके से बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाया जाएगा, है ना। मगिंग का पाउडर जो है आप मुझसे रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, बना बनाया, ओके। और मटेरियल पे जो जो जाएगा वो तो आप उसको बनाना भी बताऊंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल केवल हमने दे दिया, अगर आप लोगों ने मटेरियल हमसे खरीदा, हमने आपको मटेरियल दे दिया और बता दिया कि बस जो ये पाउडर है इसमें ये चीज़ ऐड कर लो और कोन बना लो, नहीं। जो एक्चुअल में पेस्ट तैयार होता है मगिंग का, है ना, जो जिसमें कोन से मैं अभी फिलिंग कर रही हूँ, ये जो मटेरियल है ये कैसे प्रिपेयर करना है, कितने पाउडर्स इसमें ऐड करके बनाया जाता है, ये क्लास में बताया जाएगा, है ना। आपको केवल रॉ मटेरियल खरीद कर ही रखना है, बाकी पाउडर बनाने से लेकर बोर्ड प्रिपरेशन करना, है ना, बोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। क्लियर है? आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप लिंक मैंने आप लोगों के संग शेयर करी है। आप जैसे ही इस लिंक को टच करोगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है पीस? अब मैं ये वाला पीस आज उठाकर नहीं बता सकती क्योंकि मैं फिलिंग कर रही हूँ, है ना, जो हमने स्टोन्स लगाए थे उसके ही चारों ओर अभी हमारा मटेरियल जो मगिंग का काम हो रहा है, सो मैं आप लोगों को उठाकर नहीं बता सकती। आपको इसका फुल अगर पिक देखना है तो आप लोग आर्टजोन के जो बाकी वीडियोस हैं उस पर जाकर भी देख सकते हैं आर्टजोन पे, और आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए। और अगर आप लोग आर्टजोन पे नए हैं तो आर्टजोन को फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, है ना, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँगी आप लोगों को पता चल जाएगा ना, क्योंकि लाइव आने का कोई फिक्स टाइम तो है नहीं कि हम इस टाइम पे आते हैं, क्योंकि बाकी हमें क्लासेस लेनी होती हैं। अभी मेरी 6 पीस की क्लास चल रही है ना, 6 पीस शो पीस हैं जिसमें 3 म्यूरल हैं और 3 स्कल्पचर हैं, तो उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। हमारा 1 पीस कंप्लीट हो गया है उसमें, अभी बाकी 5 पीसेस 1 बाय 1 स्टार्ट होंगे, उसमें भी स्टूडेंट ने इनरोल कर रखा है, काफ़ी स्टूडेंट ने, जिन्हें सीखना है क्ले बनाना, क्ले कैसे बनाएंगे, स्कल्पचर की क्ले कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ उसमें सिखाया है मैंने, है ना। जो चल रहा है हमारा पीस उसकी पूरी डिटेल, है ना, तो आप लोग सीखिए और अच्छा सीखिए और पूरा सीखिए, अधूरा नहीं। इसका जो मटेरियल आप लोगों को सेंड करेंगे हम, उस मटेरियल में आप लोगों के पास में जो ये पेस्ट मगिंग का पेस्ट कैसे बनाते हैं, है ना, अरेबिक गम जाएगा आप लोगों के पास में, ट्रेसिंग की शीट जाएगी, और जो इसमें इमेज है वो तो मैं आप लोगों को पर्सनली PDF या फिर जैसे भी दूंगी, है ना, और कोन शीट जाएगी। कलर्स आप लोगों को खरीदना होंगे क्योंकि जो इसमें कलर्स यूज़ होते हैं पोस्टर कलर, वो जनरली सबके पास होते हैं, है ना, और अगर आप लोगों को चाहिए जिन लोगों को तो उसको हम ऐड कर देंगे, है ना, जिन लोगों को चाहिए कि हमें पोस्टर कलर, बहुत से लोगों के पास नहीं भी होते हैं पोस्टर कलर्स, है ना, और बहुत से लोगों के पास होते हैं। लीना जी, मैं ये तंजोर बना रही हूँ, मैं शायद दिखा पाऊँ आपको, थोड़ा सा ही तिरछा कर पाऊँगी क्योंकि मगिंग का काम हो रहा है। ये देखिए ये तंजोर है ना,
मैं ज़्यादा नहीं सीधा कर पाऊँगी क्योंकि अभी मेरी कूलिंग का काम हो रहा है, ओके, और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तंजोर है, गिटार है ना, गिटार इन तंजोर, तंजोर में गिटार बना रही हूँ। इसमें ये जो गिटार हमने लगाया है इसका बेस भी पहले प्रिपेयर किया है, उसके बाद में इसको हमने कैसे यहाँ पर लगाया है, किस तरीके से लगाया है, कैसे इसको हमने ये 3D लुक दिया है, ये सब कुछ क्लास में सिखाया जाता है ना, टोटल। और जो फीस है बहुत रिजनेबल फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। ये पीस का जो साइज है 17x22 है ना, 17 है कि 14 है, एक मिनट मैं मेजर करके बताती हूँ क्योंकि भूल जाती हूँ, 14 है ना, 14x22 ये पीस का साइज है। थैंक यू सो मच। आप पूरा मटेरियल भी हमसे ले सकते हो, जो स्टोन्स है स्टोन्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आप लोगों के पास जाएंगे, जो स्टोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो फॉइल मैंने, और एक बार जो फॉइल है ये हमने सिंथेटिक फॉइल यूज़ करी है ना, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स भी होते हैं है ना, बहुत से लोग बिगिनर्स होते हैं जिन लोगों को बड़ी पेंटिंग ना बनाकर छोटी पेंटिंग में आने की इच्छा होती है कि कुछ छोटा सा हम बनाएं है ना, और पहले हम लोग सिंथेटिक के साथ करें कि थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो है ना, कुछ हमसे गलत बने तो उन लोगों के लिए भी है ना, और जो लोग अच्छे से माहिर हैं जिस काम में, जो लोग कर चुके हैं या जिन लोगों को अच्छे से करना है, वो ओरिजिनल गोल्ड के साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमारा मटेरियल जाएगा वो सिंथेटिक फॉइल के साथ जाएगा, और उसी में उसकी फीस है, विदाउट मटेरियल विथ मटेरियल दोनों टाइप से है, आप जैसे भी ज्वाइन करना चाहो कर सकते हैं, विथ मटेरियल विदाउट मटेरियल है ना, ओके। आपको मैंने मेरी व्हाट्सएप लिंक दी है, उस पर जाकर आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं डिटेल्स के बारे में, और जो भी डिटेल्स पूछोगे उस पेंटिंग्स की या उस आर्ट का नाम जरूर लिख दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे आप लोगों को डिटेल देने में थोड़ी सी सहूलियत हो है ना, मैं इजीली आप लोगों को डिटेल दे पाऊँ उस आर्ट की जिसकी आप जानना चाहते हैं है ना, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस चल भी रही हैं, हो भी चुकी हैं है ना, तो उनकी भी डिटेल्स बहुत बार कहीं आप लोग पिछला वीडियोस देखते हो और फिर हाई करके छोड़ देते हो, तो आपको ये लगता है कि हमने जो वीडियो देखा हो वीडियो कि आप डिटेल दे दोगे, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता होता है कि आपने कौन सा वीडियो देखा है ना, अभी तो हम लाइव हैं। क्योंकि बहुत बार हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो वीडियो शेयर करते हैं, तो वो वाले वीडियोस भी बहुत से लोग नई बार ही देखते हैं है ना, लीला जी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैंने जो ये नंबर दिया हुआ है ना तंजोर पेंटिंग डिटेल्स करके, यहाँ पर सी मोर करके आप इस पर जाओगे तो इस पर नंबर है ना, इस पर जाकर आप मुझे लिखिए तंजोर पेंटिंग गिटार है ना, गिटार तंजोर पेंटिंग के मुझे डिटेल दीजिए, तो आप विथ मटेरियल और विदाउट मटेरियल दोनों तरीके से उसमें मेंशन किया हुआ है मटेरियल में है ना, आपको डिटेल दूंगी उसमें दोनों तरीके से है, विथ मटेरियल और विदाउट मटेरियल। मटेरियल में आप लोगों को ये कटआउट्स, अगर आप भोपाल में हैं ओके तो कटआउट्स आप मुझसे ले सकते हैं है ना, और अगर आप बाहर हैं है ना कहीं और हैं तो आपको ये कटआउट्स तैयार करवाना होगा ठीक है, इसका जब मैं आपको पूरा पिक दूंगी
है ना, ये देखिए इस टाइप का ये पूरा पिक होगा, पूरा ट्रेस है इसका, फोटो मैं आप लोगों को दूंगी। तो इसका जो अंदर का ये वाला हिस्सा है इसका ट्रेस करके आप लोगों को कटआउट तैयार करवाना होगा, और उसके बाद में आप बोर्ड और ये कटआउट, ये दो चीज़ें आपको खरीदनी है, वो आप प्रिपेयर करोगे, आप खुद खरीदोगे। और मटेरियल में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या खरीदना है और क्या क्या हम लोग देंगे, है ना, विथ मटेरियल में। जो लोग विथ मटेरियल ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम लोग की तरफ से क्या क्या जाएगा और क्या क्या उनको खरीदना है, ये चीज़ें उसमें मेंशन है ना, बताइए। तो आप लोग डिटेल चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपका नाम और आर्ट का नाम, है ना, कि कौन से आर्ट की आपको डिटेल चाहिए। भोपाल वाले स्टूडेंट्स मुझसे बटर पेपर जो जिससे ट्रेसिंग होगी वो, स्टोन्स है ना, और फॉइल, गोल्ड फॉइल, ये सब ले सकते हैं, है ना। बट उनको जल्दी से जल्दी इनरोल कराना होगा क्योंकि मुझे भी मंगाना पड़ेगा, है ना। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ले लिया है, एक स्टूडेंट का तो कटआउट भी मेरे पास से जाने वाला है। प्लीज़ अभी मुझे कोई कॉल मत कीजिए, है ना, अभी मैं कॉल आपका अटेंड नहीं कर पाऊँगी। मैं जैसे ही ऑफलाइन जाऊँगी, है ना, अभी आप लोगों को शो हो रहा है कि मैं लाइव हूँ, है ना, वहाँ दिख रहा है ना LIVE लाइव, मैं लाइव बैठी हूँ, मैं अभी इसी फ़ोन पर आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगी, है ना। मैं जैसे ही ऑफलाइन जाऊँगी आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग उस पर मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और भोपाल वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझसे आकर मटेरियल ले सकते हैं, ओके, है ना, क्योंकि अभी जो तंजौर का मटेरियल एक स्टूडेंट हमारे भोपाल के ही हैं, तो वो उनका मटेरियल जाना है। मैं कूरियर नहीं करती, है ना, कुरियर का मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आप मेरे पास घर आकर मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं भोपाल वाले, है ना। और बाकी जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको हम मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको हमारे डीलर की तरफ से प्रोवाइड जाता है मटेरियल, है ना, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल, मटेरियल में कोई डाउट नहीं, कोई डाउटफुल नहीं है, मटेरियल जाएगा आप लोगों के पास बिल्कुल अच्छे से मटेरियल जाएगा। जो गोल्ड फॉइल है वो भी बेस्ट क्वालिटी की रहेगी आप लोगों के लिए, गोल्ड फॉइल भी जो सिंथेटिक गोल्ड फॉइल है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी की जो मैंने यूज़ करी है वही वाली, थोड़ा सा थिक वाला पेपर, है ना, ताकि हमारा जो गोल्ड फॉइल हम लगाएंगे वो हमारी रिंकल नहीं आनी चाहिए उसमें, और बहुत अच्छे तरीके से लगनी चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की गोल्ड फॉइल भी है, ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए,
भोपाल वाले तो मुझसे आकर मटेरियल ले सकते हैं। ऑलरेडी मेरी क्लासेस बहुत सारी चल भी रही है। अभी 6 पीस वाली जो क्लास अनाउंस करी थी मैंने क्रिसमस ऑफर में, है ना, वो भी अभी चल रही है। उसके 1 पीस हमारा रेडी हो चुका है, बाकी के पीस 1 बाय 1 स्टार्ट हो गए, है ना। दूसरा पीस स्टार्ट हो चुका है, जैसे जैसे हमारे पीस बनते जाएंगे हम अपडेट करते जाएंगे। तो जो भी क्लास की डिटेल आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और है ना उसका नाम लिख दीजिए कि आपको इस फीस इस क्लास की डिटेल चाहिए। ऑफर में है अभी वाली क्लास, है ना, जो 6 पीस वाली क्लास है वो ऑफर में है। अगर आप पूरे 6 पीस ज्वाइन करते हो तो आपको ऑफर में रहेगा, और आप एक एक पीस भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ये वाली क्लास 18 से स्टार्ट है, और ये है मेरे स्कल्पचर वाली क्लास छुट्टी, ये देखिए, है ना, ये स्कल्पचर वाली क्लास है, ठीक है। इसमें ये स्कल्पचर बनेंगे, ओके, इस टाइप का स्कल्पचर है। इसमें एक पिकॉक स्कल्पचर बनेगा, एक ये बर्ड स्कल्पचर है, और एक कोई फिश स्कल्पचर बनेगा, है ना, फिश स्कल्पचर है। और इसमें एक पॉट भी है जो कि फिश पॉट के नाम से है, और फिश पॉट भी है और फिश स्कल्पचर भी है एक, है ना। इसकी डिटेल्स आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हो, पेज पर फुल डिटेल है इसकी। और ये जो तंजोर है गिटार, इसकी डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पर ले सकते हो मुझसे, है ना। एक दूसरी जगह के लिए हमारा पेस्ट खत्म हो गया है ना, हमारे पास अब है भी नहीं कोन बना हुआ, कोन बनाना पड़ेगा कि उसको कंप्लीट कर लें। अगर जिन्हें कोन नहीं बनाते आता ना, उनको भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, है ना। कोन बनाना भी सिखाऊंगी मैं मेरी क्लास में, ओके, कोन बनाना भी सिखाती हूँ। अगर जिन लोगों को कोन बनाना नहीं आता है, ओके, उनको कोन बनाना भी सिखाया जाता है, ओके। एक थोड़ा सा मटेरियल हमारा कम हो गया था तो उसके लिए हमें कोन बनाना ही पड़ेगा। बस इतना सा ही मटेरियल मुझे चाहिए था, जितना भी मैंने कोन में फिल किया है ना,
बस इतना सा है ना, बस इतना सा ही मटेरियल हमारा कम हो गया। हमने दो फोन बनाए थे तो उसमें भी कम रह गया थोड़ा सा। कौन बना ही रहे हैं अब नहीं बनते ना। इस पे आप टेप भी लगा सकते हो है ना, और मैं तो थ्रेड यूज करती हूँ है ना, मैं थ्रेड यूज करती हूँ क्योंकि क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो दोनों तरीके से काम करते हैं, कभी टेप भी यूज कर लेते हैं और थ्रेड भी लगाते हैं है ना, थ्रेड भी बांधते हैं। ठीक है, थ्रेड बांधने में एक ये होता है कि हम उसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट टेप लगाते हैं तो नहीं लगा पाते प्रॉपर तरीके से कभी, तो फिर लिक्विड नीचे तो ऊपर से निकलने लगता है कहीं कहीं से है ना, या कहीं स्टूडेंट को बोलती हूँ ऐसे करने के बाद इसको ऊपर से टेप लगा लो तो भी सही से काम हो जाता है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि टेप नहीं लगा सकते या फिर केवल थ्रेड ही यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कौन प्रिपेयर हो गया है, केवल 3 स्टोन्स हमारे रह गए थे है ना, जिनके राइट साइड हमें मगिंग करनी थी है ना। ये देखो केवल 3 स्टोन्स, ये बस, बाकी हमारा ये प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ, ये देखो है ना, ये इस टाइप से बनेगा ये, और बहुत सुंदर बनने वाला है ये। अभी हमारा इसमें काम बाकी है, हमें यहाँ और यहाँ फॉइल लगानी है, इस पर अभी हमें काम करना है ना। जब ये पूरा बन जाएगा इसको मैं अपने पेज पर पोस्ट करूँगी करूँगी है ना, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत सुंदर क्लास है, फीस भी बहुत रिजनेबल है। इसका जो साइज़ है वो हमारा 14x22 का है ना, 14x22 का है। फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी कर दिया है ना। बहुत सुंदर निकल कर आएगा ये। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए इसको, और जो क्लास ज्वाइन करनी है वो कीजिए। मेरी जो सारी क्लासेस हैं पेड क्लासेस हैं, आप लोग एक बार आर्ट जोन को जरूर विजिट कीजिए।
है फ्रेंड्स, चलिए तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो क्लास ज्वाइन करनी है, और ये बहुत सुंदर काम है ना। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और अब मुझे कॉल कर सकते हैं जो कॉल कर रहे थे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।